أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد कम सल तब्राहीमब्राहिमी मजीद अज़ीज़ तोलबा व सामिन महतरम आज हम जिस दर्श के साथ हाज़िर हुए हैं उस उसमें ूल फ़िक में हमने महकूम आल ही की बहस का मताल करना महकूम अलय इससे पहले हमने हुक्म की इकसान पढ़ी और उसमें हमने हुक्म शरी और हुक्म वजी पढ़ा अब हमारे पास महकूम अलै है इसके बाद हम महकूम फ़ी की तरफ जाएंगे और उसके अहकाम को हम इनशा तफसली देखेंगे यहाँ पर जो महकूम अल के अकामत हैं या असूल हैं उनको हम इन श्ला तला तफसी जेर बहस लाएंगे सबसे पहले महकुम अलह से क्या मुराद है महकूम अलह से मुराद ये है कि जिस पर हुक्म लगाया गया है जिस पर हुक्म लगाया गया है वो क्या होता है महकूम अलह होता है या फिर ऐसा शख्स जिसके फेल के मतलब शारे का खिताब हो और उससे मुराद कौन है मुकलफ़ यानी कि इंसान गोया महकूम से मुराद इंसान है इसके ऊपर जो शा का हुक्म है हम वो देखेंगे कि वो हुक्म किस पे लागू हो रहा है इंसान पर लागू हो रहा है अब मुखल की कुछ शराइत हैं उनमें से बुनियादी तौर पर दो शरायत है हमारे पास एक ये है कि वो बालिग हो यानी कि वो शारे का खिताब समझता भी है गोया ऐसा शख्स ना हो कि जो शा का खिताब समझता ही नहीं है पागल हो या जनीन हो या मजनू हो तो वो तो उसके ऊपर तो वो हुक्म फिर लागू ही नहीं होगा क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं सकता दूसरा ये है कि वो पागल भी ना हो और साथ साथ उस बात की एहलीत भी उसमें पाई जाती है यानी कि सिर्फ उसका आकिल और बालिक होना काफी नहीं है बल्कि उसमें उस एहलियत का होना भी जरूरी है अब इसकी हम थोड़ी सी आगे जरा तफसील पढ़ेंगे आकिल और बालिग से क्या मुराद है नंबर एक इससे मुराद ये याद रखिएगा जब भी हम ये कहते हैं कि वो शख्स आकिल और बालिग हो तो इससे तीन लोग जो हैं इस हुक्म से बाहर निकल जाते हैं उसमें नंबर एक पर है सोया हुआ शख्स दूसरा मजनून या बच्चा यानी कि पागल बच्चा और मजनून या सोया हुआ शख्स ये तीन निकल जाते हैं चूंकि हदीस पाक में आता है कि नबी करीब सलात ने फरमाया अल्लाह ताला ने तीन लोगों से कलम उठा लिया है और इन तीन लोगों में सबसे पहला वो शख्स है कि जो सोया हुआ शख्स है अब देखिए जो शख्स सोया हुआ है वो कैसे हुक्म को बजा ला सकता है वो तो नहीं ला सकता ना लिहाजा उससे हुक्म बातिल हो जाएगा जब तक वो सोया हुआ है जब तक वो उस हालत में है इसी तरह दूसरा शख्स जी मजनून है जिसको हम पागल भी कह देते हैं अब वो शख्स तो इस बात का अहम नहीं है कि वो उस हुक्म को अदा कर सके लिहाजा उससे भी हुक्म को उठा लिया गया तीसरे नंबर पर बच्चा है बच्चे के ऊपर चूंकि कोई चीज फर्ज नहीं है लिहाजा उस पर भी हुक्म उठा लिया गया अब इसमें अहलियत है या नहीं है दूसरा हमने पढ़ा था एक तो था, पढ़ा था हमने वो आकिल और बालिग हो ये और उसमें अहलियत हो अब अहलियत किस तरह है अब अहलियत के हवाले से भी चार लोगों से मुतल नबी करीब ने फरमाया कि बरोज़े क्या वो इतराज करेंगे कि हम उस चीज के अहल नहीं थे नंबर एक बूढ़ा शख्स आप देखिए जो जून जुलाई के रोजे हैं वो बुढ़ा शख्स तो नहीं रख सकता ना लिहाजा वो इसका अहल नहीं है वो आपने कुरान पाक की वायद भी पढ़ी हुआ इनको तो अवला मरीज अवलाफायद तो मिन अय्यामिल ओखर और जो कोई मरीज है और वो उसको जो आर्जा है जो मर्ज है वो दायनी हो चुका है उसका लिहाजा अब वो शेख बूढ़ा शख्स जो है वो रोज़ा नहीं रख सकता लिहाजा ये उज्र पेश कर सकता है इसी तरह एक शख्स है जाहिल जिस तक वो अहकाम पहुँचा या उसने समझ नहीं सका या किसी भी सूरत से वो जहालत में रहा उस हुक्म के हवाले से वो भी इस बात का एतराज कर सकता है या उज्र पेश कर सकता है अहमक शख्स जिसकी अक्ल नाकिस हो कामिल ना हो वो भी उज्र पेश कर सकता है और चौथा है जी एहल यानी कि अहल फतरा वो लोग हैं कि जिन तक दावत ही नहीं पहुंची अल्लाह का हुक्म ही नहीं पहुँचा तो वो फिर उस पर क्या करेगा उसका तो वादा नहीं कर सकता ना क्योंकि उस तक तो वो हुक्म पहुंचा ही नहीं है अब आगे चलते हैं अहलियत के हवाले से अहलियत से मुराद क्या होता है अहलियत से मुराद हम ये देखते हैं कि वो सलाहियत है यानी कि असलाही तौर पर अहलियत की हम दो इकसाम उसमें दो इकसाम इसको तकसीम करते हैं नंबर एक एहलीत वजूद क्या उस चीज़ की वो वाजिब चीज होती है उसके ऊपर नंबर एक दूसरा है अहलियत अदा क्या उसमें ये अहलियत है कि वो उसको अदा कर सके इस लिहाज से फिर आगे कुछ इकसाम बनती हैं जिनको हम एक एक करके जेर बहस लाते हैं अहलियत वजूब से क्या मुराद है वो कहते हैं इंसान की ऐसी सलाहियत जिसकी वजह से उसके शरी हु को प्रायज मुत लाजिम हो यानी कि उसका स्टेटस ऐसा हो कि जिससे उस पर वो हुक्म लाजिम होता हो नंबर एक और उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी आयद होती हो नंबर एक नंबर दो ये अहलियत खालिशन सिर्फ जिंदगी से भी क्या हो जाती है साबित हो जाती है फॉर एग्जाम्पल एक शख्स जिंदा पैदा हुआ है पैदा होते साथ ही अब वो वारिस बन गया अपने बाप के माल का अब सिर्फ जिंदगी है तो अब वो क्या हो गया वारिस बन गया अभी अहलियत अदानी हम उसकी देखेंगे कि क्या वो समझदार हुआ है या नहीं हुआ जैसे ही वो पैदा हुआ है कुछ अहकाम ऐसे हैं कि जैसे फौरन उसके ऊपर वह हकूक ला क्या हो जाते हैं वाजिब हो जाते हैं और कुछ हकों को लिबाद है वो भी हम देखेंगे ये अहलीत अल्लाह के फरमान से साबित हो जाती है जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक ने आराफ में जिक्र किया अलस तो बेरबुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ तो काल बला सब बोल उठे कि हाँ हाँ वो हमारा रब है क्यों नहीं अब आ जाते हैं अहलीत अदा की तरफ अहलीत अदा क्या चीज़ है इंसान की ऐसी सलाह की जिसकी वजह से उससे अदायगी का मुतालबा किया जाता है यानी कि उसके तसरफ़ा को मोतबर समझा जाता है उसकी बातों को उसके शरी आसार को उसके ख़रीदो फरोख को हर चीज़ को क्या मुस्तकिल मिजाजी और उसकी बात का असर होता है अगर वो खरीदो फरोख करेगा तो वो तस्लीम की जाएगी ये अहलियत इंसान के सन तमीज़ से ले तक पहुँचने से पहले पैदा हो जाती है यानी कि सन तमीज़ क्या है इसमें फुका का अख्तिलाफ़ है कुछ लोग सात साल की उम्र को सन तमीज़ में शुमार कर लेते हैं और कुछ लोग बलोगत को कर लेते हैं अलगर्जी आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से कि अहलीत अदा कब वाजिब होती है और एहलीत वजूब कब और अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है एहलीत का नाकिस और कामिल होना यानी कि वो कौन से अवाल हैं कि जिसकी वजह से एहलीत अदा और अहलीत वजूब दोनों कामिल हो जाती हैं या नाकिस हो जाती हैं या दोनों में से एक कामिल होती है या एक नाकिस होती है एहलीत वजूह और अहलीत अदा इंसान की जिंदगी और अकल के लिहाज से कभी कामिल होती है और कभी क्या हो जाती है वो नाकस हो जाती है और इसको मजीद समझने के लिए हम चार इकसाम इसकी हम पढ़ लेते हैं ये चार इकसाम याद रखिएगा इसमें चार अदवार इंसान की जिंदगी के चार अदवार बयान किए गए सबसे पहले अलजन जनीन।, जनीन से क्या मुराद होता है जनीन से मुराद यह है कि पैदा होने से कबल माँ के पेट में जो बच्चा है अब इसमें कौन सी एहली जो है वो कायम रहती है कामिल रहती है और कौन सी एहलीत जो है वो उसमें नाकिस हो जाती है दूसरा दूसरी किस्म है विलादत से लेकर सन सन तमीज़ तक का दौर है अब ये भी हम पढ़ेंगे कि सनत तमीज़ तक का दौर कौन सा है और इसमें कौन सी अहलियत कामिल और कौन सी नाकिस रहती है तीसरी किस्म है सनत तमीज़ से लेकर बलोगत तक का दौर है और आखिरी है बलूगत से बलूगत का बाद का दौर और ये मौत तक रहता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलजनीन अलजनीन क्या चीज है अलजनीन में एलियत वजूब नाकिस रहती है जैसा कि रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कबीला यजल की दो खवातीन आपस में लड़ पड़ी और एक ने दूसरे को पत्थर उठा के मार दिया तो दूसरी उस वक़्त क्या थी हामला थी उसके पेट में पे पे पत्थर लगने की वजह से बच्चा मर गया तो रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनीन की दियत एक गुलाम एक लोडी मुकर्र फरमाई इससे मुराद यह है कि एहलीत तो नाकिस है अब इससे वो वो किसान तो नहीं लिया जाएगा ना मगर फिर भी ये है कि उसको कुछ ना कुछ विरासत से या कुछ ना कुछ वसीयत से उसको मिलेगा जरूर इसी तरह वो अब उसको दियत के हवाले से कुछ ना कुछ तो जरूर दिया जाएगा अगर थे वो उतरा तो वाजिब नहीं थी उसके ऊपर लेकिन फिर भी इंसान था बच्चा था जिंदगी थी तो हमने ऊपर एक हुक्म पढ़ा है कसूर पड़ा है कि अहलियत के लिए अहलियत वजूब के लिए खाल सतम सिर्फ जिंदगी भी हो ना तो ये काज अगरचे वो नाकिस होती है अहलीत वजूब लेकिन फिर भी इसको कुछ ना कुछ मिलेगा एहलीत अदा के हवाले से देखा जाए तो इसके ऊपर सिरे से कोई इसका वजूद ही नहीं है गोया एहलीत अदा इस पर नहीं है और अहलीत वजूब इसके ऊपर नाकस है लेकिन फिर भी साबित हो जाएगी पैदाइश से लेकर सन तमीजता का दौर अब इसमें एहलियत वजूब क्या है जी कामिल हो जाएगी इसमें अहलियत वजूद कामिल है। जब बच्चा जिंदा पैदा हो जाता है तो इसके लिए ये अहलियत साबित हो जाती है इसके हकूक तो साबित हो जाते हैं यानी कि यहां पर अगर देखें तो यहां पर ये यह बात हो रही है आर आई जी एस टी एस की राइट्स की एस टी एस जिसको हम कहते हैं हकूक ये बात हो रही है किन की हकूक हकुँग उसके साबित हो जाते हैं जैसे मिरास है अब बच्चा पैदा हो गया है बाप की विरासत होती है बच्चा भले छः माह का है साल का है अब अगर मर्द है तो उसको दो हिस्सा जरूर मिलेगा अगर औरत है तो उस बच्ची का एक हिस्सा होगा लेकिन इस पर फर्ज कुछ नहीं है इसके ऊपर नमाज के हवाले से इसके ऊपर रोज़े के हवाले से किसी किस्म की कोई भी कैद नहीं है अलबतः इसके औलिया पर इसकी तरफ से बाज़ फराइज की अदागी लाजिम होगी जैसे कि माल का हक है बहुत मालदार बच्चा है तो उसके जारी बात है कुछ फवायद अगर वो किसी माल का नुकसान कर देता है जिस तरह की एक बच्चा है वो छोटा है पाँच छ साल का है वो जाके किसी का शीशा तोड़ देता है गाड़ी का शीशा तोड़ देता है तो अब यह नुकसान कौन भरेगा बच्चा तो नहीं भर सकता लेकिन इसके वो नसा के ऊपर लाजिम आता है कि वो इसका क्या करेंगे इसका नुकसान पूरा करेंगे अब इसकी दलील क्या है कि नबी करीम करीमला ने छोटे बच्चे के हकूक से मुक सवाल किया गया तो आपने फरमाया हाँ छोटे बच्चे का हज तो हो जाएगा अगर वो अदा की तरफ आता है अहलियत अदा की तरफ अगर देखा जाए तो वो हज करता है नमाज पढ़ता है तो ये इबादत इसकी कबूल तो होंगी लेकिन इसका अजर किसको मिलेगा वाले को मिलेगा अब चार साल का बच्चा उसके ऊपर हज फर्ज तो नहीं है लेकिन अगर उसके माँ बाप उसको ले जाते उसको हज करवाते हैं तो माँ बाप को भी जारी बात है उसका स्वभाव मिलेगा अगर छह बच्चे के ऊपर ये चीज़ें फर्ज नहीं हैं आगे आ जाते हैं अहलियत अदा की तरफ इसका कोई वजूद नहीं है यानी कि ऐसे बच्चे की एहलीत अदा बिल्कुल नहीं है महज एहलियत वजूब है और वो भी क्या है सिर्फ नाकिस है और नाकिस से क्या हो नाकि सॉरी वो कामिल हो गई है नाकिस से क्या हो गई अब कामिल हो गई है एहलीत अदा की शर्त है कि उसे समझ बूझ हो मगर अभी तक ये एहलीत इसमें मौजूद नहीं है अभी तक वो छोटा है लिहाजा उसके ऊपर कोई सात साल से कम है लिहाजा चूंकि एहलियत अदा का ताल्लुक शऊर से है तो अभी तक उसमें शूर तो नहीं है ना अब यहाँ पर एक छोटा सा मसला है मसला सुन लीजिए सन तमीज़ क्या है जी इसमें इतलाब पाया जाता है एक कॉल के मुताबिक जिस तरह भी मैंने बताया कि सात साल की उम्र में एहलीत अहलियत उसमें जो है वो सन तमीज़ में वो शुमार कर लेते हैं जबकि दूसरा कॉल उसका उर्फ फिर महमूल है यानी कि कुछ इलाके ऐसे हैं देखिए पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन पंद्रह साल का बच्चा जवान हो जाता है इसी तरह लड़की तकरीबन को ग्यारह साल की जवान हो जाती है लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर लड़का तेरह साल का और लड़की जो है वो नौ साल की बालिग हो जाती है तो ये खाने पीने के हवाले से भी हो सकता है ज़मीन सम गर्म होती है खुराकें गर्म होती हैं जिसमें लड़कियां जो हैं वो वक्त से पहले जवान होना शुरू हो जाती हैं इसी तरह लड़के जो है वो वक्त से पहले जिसमानी तौर पर देखा जाए तो वो बलोगत तक तो पहुँच जाते हैं अब कुरान पाक में भी जो पर्दे के अहकाम जो बयान हुए उसमें तीन औकात डोंडिया गुलाम और नाबालिग बच्चे भी इजाजत तलब कर कर अंदर आए अब जाहिर बात है वो इसलिए कहा गया है अगरचे वो नाबालिग है लेकिन वो दिखने में जो वो बालिग लड़के की तरह उसका कद काट निकल गया उसकी थोड़ी सी दाढ़ी मूछ आ गई है तो अब उसके अहम थोड़े से तब्दील हो जाएंगे सन तमीज से बलोगा तक का दौर अब इसकी तीसरी किस्म है अहलियत वजूब इसमें क्या है जी बिल्कुल कामिल है अहलियत अदा का क्या स्टेटस है नाक़ है इसमें एहलीत अदा नाक़ है और उसके नाकिस होने की वजह क्या है उसका अकल का नाकिस होने की वजह से तमाम अकायद और तमाम इबादत उसकी जानब से दुरुस्त होंगी अगर वो करेगा नमाज पढ़ेगा रोज़ा रखेगा हज करेगा उम्र करेगा तो वो क्या है तमाम की तमाम दुरुस्त साबित होंगी ऐसा नहीं है कि हम सात साल के बच्चे से ये कहें कि आपने नमाज पढ़ी आपकी आप नमाज जो है वो कामिल नहीं है नमाज उसकी हो जाएगी स्वब उसको मिलेगा मगर उसके ऊपर वाजिब नहीं था अगर उसने कर दिया तो अच्छी बात है ये देखें जैसे नमाज है रोज़ा है हज है बतौर मुझ तक तो सबर किया जाएगा वो दुरुस्त होंगे अबतः इसके मामला की तीन सूरतें हैं अब अगर कोई शख्स जो बच्चा ये तीसरी किसम हम पढ़ रहे हैं सनत तमीस बलूगत ताक का दौर है और ये आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सात आठ नौ साल या दस साल भी आप कर सकते हैं क्योंकि पंद्रह साल तक की बलोगत का दौर है अब इसमें इसका स्टेटस क्या है इबादत का मामला का इसके क्या स्टेटस है अगर वह खालिशत नफ़े का मामला हो यानी कि बच्चे के हक़ में हो जैसे हिब्बा है बच्चे को सदगा विरासत वसीयत मिले हिबा मिले ये तमाम मामला क्या होंगे इसके दुरुस्त होंगे अगर वालदेन की तरफ से दादा की तरफ से वसीयत हो जाती है हिबा हो जाती है दादी अपना प्लाट हिबा कर देती है अल्लाह करे वैसे होता तो नहीं ऐसे लेकिन अगर मान लो हो जाता है या उसको विरासत मिलती है तो ये क्या होगा बिल्कुल कामे समझी जाएगी दुरुस्त समझी जाएगी और अगर खाल नुकसान का मामला हो जैसे अपना माल किसी को गैर किसी गैर को हिबा कर दिया गया उसने जाके कि किसी का नाम लगवा दिया तो ये मामला दुरुस्त नहीं होगा ये दुरुस्त क्यों नहीं होगा क्योंकि उसमें अभी तक अदा की कोई भी जो शऊर है वो उसकी लिमिट उसमें मौजूद नहीं है शऊर की बलूगत तक उम्र है यानी कि बालिग होगा तो उसके ऊपर शेरी अहकाम लागू होंगे अगर वो अपना सारा माल किसी को हिबा करके आ जाता है तो ये कामिल नहीं समझा जाएगा जैसा एक बच्चा उठा के अपना वालदेन का मोबाइल उठाता है पचास हजार का बाइक जाके पाँच हजार का सेल कर रहता है तो ये मामला इसका इसकी बै जो है खरीदो फरोख ये मनसूख होगी ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझी जाएगी लेकिन अगर ये जाके किसी से कोई चीज ले लेता है ऑनलाइन सेल परचेज कर ले तो वो क्या दुरुस्त समझा जाएगा अब यहाँ पर उजर क्या आ रहा है उजर यह है कि ये नुक, न, न, नुकसान जो है वो अकल ना होने की वजह से है लिहाजा मामला दुरुस्त सबर नहीं किया जाएगा ये एक्चुअली जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर बारीक बीनी से गौर करें इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ कानून ये एक्चुअली हम कानून पढ़ रहे हैं जब भी कभी ऐसा मामला है अदालत के अंदर कि एक बच्चा बारह साल का तेरह साल का दस साल का है और वो अगर सेल परचेज करता है तो अगर तो उसमें फ़ायदा होता है फायदे से मुरादी है कि अगर उसको कोई हिबा कर रहा है उसको कोई सदका कर रहा है विरासत कर रहा है वसीयत कर रहा है तो ये दुरुस्त सबर होगा लेकिन अगर वही बच्चा कोई किसी को अपना सारा बाल उठा के दे के आ जाता है तो ये फिर मामला दुरुस्त नहीं समझा जाएगा यही कहा जाएगा कि इस बच्चे को बरखलाया गया और इससे मामला करवाया गया तीसरा यह है कि नफा और नुकसान में मुतरद हो जैसे खरीदो फरो ये उस सूरत में दुरुस्त होगा अगर वली की इजाजत मिल जाए तो ये फिर वाक्य होगा उसमें दुरुस्त होगा अब आ जाते हैं चौथी किस्म चौथी किस्म कौन सी बलोवत के बाद का दौर इसमें दोनों अहियतें अहलीत वजूब भी कामिल होगी और एहलीत अदाबी कामिल होगी लेकिन इसमें थोड़े से अहकाम अलग हैं अहलीत अदाबी कामिल ही है और ये तमाम शरी अहकाम का मुकलफ है अब उसके ऊपर नमाज़ फर्ज है रोज़ा फर्ज है ज़कात फ़र्ज है हज फर्ज है बै करेगा दुरुस्त है अगर उसको नुकसान होता है वो भी उसी के हक़ में है ये तमाम मामला का वो जिम्मेदार क्या होगा खुद होगा लेकिन इस जिम में जिम्मन में अहलीत दोनों कामिल हैं मगर बाज़ ऐसी सूरतें पैदा हो जाती हैं जिसमें अहलियत कामिल होने के बावजूद भी इंसान के कुछ अहकाम तब्दील हो जाते हैं इनको आवारज अहलियत कहते हैं वो इंसान ठीक है बिल्कुल ओके है उसके तमाम अहलीतें दुरुस्त है यहाँ पर यह भी कामिल है अहलियत अदा भी कामिल है और अहलीत वजूब भी क्या है कामिल हैं दोनों ठीक हैं लेकिन कुछ आरजा ऐसे लाइक हो गया जिसमें हमारे उर्दू में भी एक लफ्ज़ बोला जाता है आरजा हम कहते हैं उसे आरजा लाइक हो गया अब उसको एक आजा ऐसा लाक हो गया कि जिसकी वजह से उसका यह हुक्म क्या हो जाएगा मनसूख हो जाएगा अब वो आवारज अहलियत एहल, कौन से हैं अब सबसे पहले आवारिस की तारीफ पढ़ लेते हैं कामिल अहलियत के बावजूद बाज अत इंसान को ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं जिसके बायस उसके लिए अकाम तब्दील हो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं अपने जबान में आवारज़ एहली अब आवारीज अहली की कितनी इकसाम है दो बड़ी बड़ी इकसाम है नंबर एक अहलियत या इकतसावी अहलियत या अहलियत समाविया अब अहलियत समाविया हम पहले पढ़ते हैं ये क्या है ऐसे आवारी जो इंसान के अख्तियार के बग़ैर साहिब शरीयत की तरफ से साबित हों जैसे जनून होना ये भी इंसान के बस में तो नहीं है ना कि वो खुद पागल हो जाए ये समावी है यानी कि आसमानी तौर पर अल्लाह की जानब से ये उसको एक आजा लाइक हो गया कि वो जुनून में चला गया मजनू हो गया मर्ज और मौत एक दायनी मर्ज है अब वो इंसान खुद तो दायनी मरीज नहीं बनता और किसी को शौक भी नहीं है कि वो खुद ब खुद ही हमेशा के लिए बीमार हो जाए मौत ये भी है, समाविया है ये भी से आवाराविया में शामिल है क्योंकि ये भी इंसान के अख्तियार में नहीं है ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आकाम शरीर तब्दील हो जाते हैं अब इकत हैं ऐसे आवारजे इंसान का अख्तियार मौजूद हो जैसे कि जहालत है अगर वो इल्म हासिल नहीं करता किसी चीज़ का तो वो उसके इख्तियार में वो सारी ज़िंदगी ज़ाहिर है इंसान के ऊपर लाजिम कर दिया गया कि वो इल्म हासिल करे तो वो हर चीज़ का इल्म हासिल करे अगर वो नहीं हासिल करता तो वो उसका अपना ज़ाती कसूर है इसी तरह खता है अगर इंसान से खा हो जाती है तो वह उसको दुरुस्त भी कर सकता है इकरा है यानी कि किसी चीज़ को नापसंद करता है लेकिन फिर भी वो क्या करता है उसको कर देता है वगैरह ये तीन वो चीज़ें हैं कि जिससे एहलीत इकतसाब अवारज इकतसाविया में ये शुमार होती हैं और ये इंसान के अख्तियार में अब इकतसाब इकसाम समाविया अब समाविया की इकसाम पढ़ते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आवार लाइक होते हैं या वो आवारज जो आवारज समाविया में शामिल हैं जिसकी वजह से वो शख्स है तो ठीक बालग भी है लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर यह हुक्म लागू नहीं होता सबसे उसमें पहले क्या है अल जनून मजनू हो जाना मजनू इसका मतलब यानी अकल की खराबी है यानी कि ऐसा शख्स है ऐसे उसके अकवाल और अफाल शादिर होते हैं जो किसी अकलमंद से शादिर नहीं होते यानी कि अकलमंद शख्स ऐसा नहीं करता अब कैसे हो सकते हैं इसमें यह भी हो सकता है कि एक शख्स है वो सुबह उठा है नंगा ही उठ के बाहर फिरने लग पड़ता है उस उसको पता ही नहीं लगता उसने गंदी जगह वहां पे बैठ जाता है वो ऐसा है कि जग, उसको ये नहीं पता ये रूडी है ये साफ जगह वहां से उठा के चीजें खाने लग पड़ता है यानी कि अकलमंद शख्स से वो चीज़ें जाहिर नहीं होती तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे मजनू कहेंगे जिसको ना रोटी की फिक्र होती है ना पानी की फिक्र होती है इसकी एहलीत वजूब बरकरार रहती है लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ हयात से है हम ये ऊपर पढ़ चुके हैं एहलीत वजूब का ताल्लुक सिर्फ जिंदगी से मां जिंदगी है तो उसके ऊपर वो एहलीत वजूब कामिल है और वो माँ के पेट में भी अगर जो बच्चा है उसकी भी अहलियत वजूब आप देखें अगरचे उसमें नाकस थी लेकिन फिर भी अलजनीन को मिला था कुछ ना कुछ इसी तरह एहलीत जो वजूब है वो उसका ताल्लुक सिर्फ जिंदगी से है जिंदगी है तो वो कामिल है अलबतः इसकी एहलीत अदा मुतासर होती हैं वो किस वजह से जवाल अकल की वजह से अकल नहीं है तो जहरी बात है वह नमाज कैसे दा करेगा उसको पता ही नहीं है तो वो कैसे अदा कर सकता है और हदीस शरीफ में आता है कि तीन बंदों से कलम उठा लिया गया जिसमें अभी मैंने ऊपर बयान किया हैदी से बार का उसमें पहला शख्स कौन है मजनून दूसरा है फतूर अटल फतूर अटल क्या चीज़ है ये भी एक पागलपन की किस्म है ये मुकम्मल पागल नहीं होते आप इसको अपनी जुबान में कह सकते हैं ये वो लोग हैं वो जो आ, होते हैं ना स्पेशल आ, आ, जो चाइल्ड होते हैं ये वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं इसका मतलब यानी अकल में खराबी होती है लेकिन मजनून से ये कम होता है और इसका हाल फहम होता है ये बात को समझता है ये ऐसा है कि ये रूढ़ी में से उठा के नहीं खाता गंद में से नहीं जाके बैठता नंगा नहीं घूमता मतलब इतने इसको अकल होती है आप जारी मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे अगर आप में से किसी ने कोई स्पेशल चाइल्ड आप तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत ज्यादा ऐसी फैमिली देखी है कि जिनकी फैमिली में हर एक फैमिली में तकरीबन एक आधा ऐसा बच्चा होता है जो स्पेशल चाइल्ड होता है हमारी फैमिली में भी हैं अब वो बच्चा उसकी उम्र जो है वो तकरीबन तो पच्चीस छब्बीस साल है लेकिन वो अभी भी एक्ट ऐसे ही करता है जैसे कोई चार पाँच साल का या आठ साल का बच्चा हो तो उसकी अकल मुकम्मल नहीं है अब उसके जरिए बात है अहलियत वजूब तो है ना उसके ऊपर उसके राइट्स तो हैं ना उसके हकूक तो है ना, तो ना एहलीत वजूद का ताल्लुक राइट से हकूक़ से है हकूक तो उसका मिलेंगे लेकिन अदा जो अल्लाह के हुक्म है उसके लिए उसकी कलील फहम है उसका फहम कामिल नहीं है जैसे कभी बात समझ में आ जाती है और कभी उसको बात समझ में नहीं आती कभी वो बिल्कुल ही हालत खैर में चला जाता कभी वो बड़ी अच्छी बातें ऐसे दुरुस्त बातें करता है जैसे आप कहते हैं यार बड़ा समझदार है ये तो तो ये दोनों हालतें फतूर अकल में क्या है कि ये मुकम्मल पागल नहीं होता बल्कि इसमें हल्की सी ये कसर होती है जब मजनून की सिफात ज्यादा हो तो हुक्म कौन सा लगेगा उसके ऊपर मजनून वाला और इसी तरह अगर उसके ऊपर जो है वो आकिल वाली ज्यादा कैफियत आ रही रहती है तो उसके ऊपर हुक्म कौन सा लगेगा आकिल वाला अब इसके हक में अहलियत वजूब साबित है ये फिर मैं वही बात करूं कि ये इसका ताल्लुक किससे है जी राइट से आर आई जी एच टी एस जी राइट से हकूक से हकूक तो, तो इसको मिलेंगे ना जी लेकिन जब इस पर मजनून वाला हुक्म लगाया जाएगा तो इसकी अहलियत अदा नहीं होगी जाहिर बात है जब आप हुक्म लगा रहे हैं मजनून वाला पागल वाला लगा रहे हैं तो उससे नमाज का रोज़े का इन चीज़ों का तकाजा नहीं आप कर सकते और जब आकिल वाला हुक्म लगाया जाएगा तो इसकी अहलियत अदा क्या होगी अहलियत अदा होगी तो सही मगर वो नाकिस होगी जैसे कि हदीश शरीफ में आता है कि मता भी वारिद हुआ है ठीक है मुता भी वारिद हुआ है अब तीसरी इसकी किस्म है निशान की निशान क्या चीज़ है निशान की वजह से वो भूल जाता है कभी कभी जैसे निशान की वजह से कोई एहलीत भी ख़त्म नहीं होती दोनों अहलीतें एहलीत आहलियते अदा भी कामिल रहती है अहलीत वजूह भी बरकरार रहती है क्योंकि इसमें तमाम अकल मौजूद होती है अलबतः ये एक उजर है कि जिसकी वजह से उससे गुनाह साखित हो जाता है अब एक शख्स है वो भूल गया उसने नमाज नहीं पढ़ी उसको ये लगा कि मैंने पढ़ी भी है तो ये निशान होता है हल्का सा तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उसके ऊपर साखित हो जाती हैं कामिल नहीं होती दोनों अहलियतें कामिल होती हैं वो बंदा ठीक है लेकिन अक्सर लोगों को भूल जाने की आदत होती है तो ये निशान में शुमार है लेकिन उसकी अदायगी का मुतालबा जरूर किया जाएगा एक बंदा वो भूल गया लेकिन उसके बाद में याद आया तो अब उस वक्त अगर अगरचि उसको वो गुनाह नहीं हुआ तो लेकिन जब उसको याद आ गया कि अब उसके ऊपर क्या होगा ये चीज लाजिम हो जाएगी कि उसको अदा करे क्योंकि वो कामिल है बिल्कुल ठीक है पागल नहीं है मजनून नहीं है भूल गया है तो भूल जाना इसमें ये कोई मुत्दी उजर नहीं है ऐसा उज़र नहीं है कि जो हमेशा के लिए रहेगा जैसे कि हदिश्री में आता है कि अगर कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब उसे याद आए वो पढ़ ले अब एक शख्स है उसने अलार्म लगाया सुबह अलार्म नहीं बजा भूल गया अलार्म लगाना अब जब उसको याद आएगा दस बजे याद आएगा कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी वो दस बजे उठ के पढ़ ले इसी तरह लेकिन ये हुक्म इसके ऊपर साकिित नहीं होगा हुक्म इसके ऊपर कामिल रहेगा हाँ ये है कि वो जिस जिस, द, जिस वक्त उस पर निशान तारी रहा है उस वक्त के लिए उसको जो है उसका माफ होगा हुक्म उसको गुनागार नहीं साबित कर सकते तीसरा है चौथा आखिरी है अन नींद उससे इसकी अहलियत वजूब खत्म नहीं होती नहीं होगी तो कभी भी खत्म हो सकते हाँ नींद की हालत में उसकी अदा भी मादूम नहीं होगी खत्म नहीं होगी अगर वो सो गया है सोया हुआ है तो हुक्म तो उसके ऊपर से साकित नहीं होगा ना अलार्म लगाया उसने दस दफा ऑन किया फिर उसको ऑफ कर दिया लिहाजा इसलिए अलबत् इस उजर में खत्म होने के बाद ये उजर खत्म होने के बाद नींद उसकी जब उठ जाएगी जाग हो जाएगा उससे इस काम का मुतालबा किया जाएगा कि आप पहले नमाज पढ़ो जैसे धी में आता है क्या आता है कि तीन लोगों से कलम उठा लिया गया है अब एक शख्स है वो सोया सोयाब सोया सोया उसने किसी को मार दिया अच्छा आप सोचेंगे सोया हुआ शख्स कैसे मार सकता है ये ऐसे ही है कि जैसे एक माँ है अब वो सोई भी रात को उसके नीचे उसका अपना बच्चा आ गया बच्चा मार गया यह एक और किस्म हो सकती है आप देखते हैं हॉस्टल्स में ना एक बेड के ऊपर दूसरा बेड होता है ऐसे बेड के ऊपर बेड होते हैं अब ऊपर बेड वाला जनाब गिरा नीचे वाला मर गया अब उसके ऊपर उसके वजूब के हवाले से राइट्स के हवाले से तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आयद होगा ना अगरचे उसके ऊपर के या इस तरह की दीय वगैरह नहीं होगी लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लागू होगा ना कि उसकी वजह से वो शख्स मरा है अगरचे उसके ऊपर हो इस तरह का लागू नहीं होता मर्ज है अब मर्ज़ की साम देख लेते हैं मरीज़ के हक में दोनों अहलीतें साबित हैंलीत वजूद भी और अहलीत अदा भी दोनों कौन सी हैं जी कामिल हैं क्योंकि एक तो वो बिल्कुल ठीक है और दूसरा वो उसके पास राइट्स भी हैं अलबा इस आर्जी की वजह से उसके लिए बाज़ अहकाम तब्दील हो जाएंगे एक शख्स है वो खड़ा होकर मार नहीं पड़ सकता उसकी कमर का मसला बन गया क्या इसके ऊपर से हुक्म भी उठा लिया जाएगा नहीं बल्कि इससे मुतालबा किया जाएगा कि बैठ के नमाज पढ़ लिहाजा हुक्म नहीं हटेगा इसके ऊपर से एक शख्स है वो बैठ के भी निबाद में नहीं पढ़ सकता तो अल्लाह तला के क्या हक है तो वो लेट के पढ़ ले अगर कोई शख्स लेट के भी अपने आज़ा को नहीं हिला सकता लेकिन उसको अकल है उसकी समझ है क्योंकि अदा का सारा ताल्लुक किसी से है जी अदा का सारा ताल्लुक अकल और शूर से है इसका सारा ताल्लुक अद... शूर और अकल से है तो अगर अगरचे वो मिसरे मर्ज में पड़ा हुआ है लेकिन उसकी अकल है शूर है तो उससे हुक्म का मुतालबा ज़रूर है एक बुजुर्ग है वो दायमी मरीज हो गया रोज़े तो उसके ऊपर फट दें अब वो क्या करेगा उसका मरीज नौलाइतमिलोख तो अगर वो बाद गिनती पूरी नहीं कर सकता तो उसके ऊपर क्या होती? दिया होगा लिहाजा हुक्म उसे साखित नहीं होगा दोनों कामिल रहेंगे जबकि हकूकल्ला की बात हो तो जिस काम के करने से वो आरिज है तो उसका मुतालबा नहीं किया जाएगा जैसे मैंने कहा कि खड़े होकर नमाज पढ़ने से वो आरिज है तो अब अल्लाह ये मुतालबा नहीं कर रहा कि वो खड़ा होकर नमाज ही पढ़े बल्कि क्या होगा वो तो बैठ के नमाज पढ़ ले रमजान में रोजे वो नहीं रख सकता जून जुलाई के रोजे सर्दियों में वो रख सकता है तो वो उसकी गिनती बाद में मुकम्मल कर ले या फिर दिया उसका दे दे अगर उसके तसरफात और मामला की बात हो तो तमाम दुरुस्त और सही होंगे मगर अकल की वजह से जैसा कि निकाह और तलाक है अगर तो उसकी अकल ठीक है अगर उसका आरजा अकल का नहीं है कोई जिसमानी है तो वो बिल्कुल बाकी तो सारे मामला उसके दुरुस्त होंगे खरीदो फरोख जो भी मामला है उसको दुरुस्त होंगे छठा है जी मौत अब इसकी वजह से दोनों एहलियतें खत्म हो जाती है एक बंदा ही मार गया लेकिन इसमें एक छोटा सा ब्रेक मसला जेल में रखें एक है इंसान को मर्जूल मौत लाइक हो गई अब उसमें उसने क्या किया मरने से कुछ मिनट पहले अपनी बीवी को डायवोस दे दी तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो आयजा है क्या ये विरासत में माने आ सकता है तो इसमें फुकाहा का जमहूर का यही कॉल है कि नहीं उस औरत को विरासत मिलेगी क्यों क्योंकि असल में जो मरने से पहले उसने उसको डाइवोस किया है वो इसीलिए किया है कि ताकि उसको विरासत ना मिले लिहाजा ये उसका जो है वो बाकी मामला तो अल्लाह के पास है लेकिन यहाँ पर उसकी बीवी को हिस्सा जरूर मिलेगा अलबत् सवाल ये है कि क्या मैय की तरफ से किसी ऐसी चीज का मुतालबा किया जा सकता है कि जिसकी अदायगी उस पर मुमकिन हो इसका जवाब है हाँ जैसा कि कर्ज की अदायगी है अगर वो मुतालबा करेगा मुतालबा है उसके पास वो जिंदा है तो वो अपनी मौत के ऊपर है लिहाजा उसकी मैयत से उसका जो नीयत होगी पैसे होंगे उसके उसे क्या होगा कर्ज दिया जाएगा अब खातन के हक में हैज और नपास यानी कि जिसको मैंिस कहते हैं को भी बतौर ख़ास आवारज में शुमार किया गया है जैसे कि शरीफ में आता है कि औरत हैज़ और नफास में रोज़ा नमाज छोड़ सकती है लेकिन मुतालबा बाद में रोज़ों की तो कजा है लेकिन नमाज की कज़ा नहीं अब आ जाते हैं इकतसाबी आवार ऐसे आवारिस जो इंसान के इख्तियार में अभी तक हमने जो आवार का मुताला किया है जिसमें मजनू था जिसमें फतूर अक़ल था जिसमें इंसान की मौत थी जिसमें दायमी मर्स था ये पाँच हमने जो एग्जाम पढ़ी है ऊपर वो इंसान के अख्तियार में नहीं है जिसमें मौत थी मर्स था नॉम थी निस्यान था फतूर अक़ल था मजनू था ये आवार समाविया है अब हम पढ़ने जा रहे हैं आवारज इकतिया इसमें सबसे पहला क्या है जी जहल यानी कि जहालत इस उजर की वजह से दोनों एहलीतें साबित रहती हैं अहलियत में कोई नहीं अगर किसी शख्स को पास इल नहीं है या वो इल हासिल नहीं करता तो ये उसके अपने अख्तियार में है उसने इल्मिल नहीं किया सिर्फ जहालत का अजाला ही उसका मतलूब होता है यानी कि जहालत खत्म कर ले तो वो दोनों हुक्म क्या हो जाएंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वैसे भी वो ठीक हैं वो दोनों अहलियतें उसके ऊपर वाजिब हैं उसमें दोनों एहलीतें कामिल हैं नाकिस नहीं हैं अगर तो वो दार इस्लाम में है तो ये उसका उधर काबिल कबूल नहीं होगा लिहाजा मुसलमान के लिए ज़रूरी क्या है कि तलाबल फरीदतमसलमिन के वो जो बुनियादी आलूब हैं उनका इलम हासिल करना उसके ऊपर क्या था फ़र्ज़ था उसने फ़र्ज़ नहीं किया जाहिर रहा तो ये उसका अपना उधर है ना अगर, अगर वो हाँ अगर वो गैर मुस्लिम है उसको ये पता नहीं है तो ये उस मोतबर तस्वीर नहीं किया जाएगा अगर तो वो मुसलमान है लेकिन अगर वो गैर मुस्लिम था तो फिर कर लिया जाएगा बिलखसूस ऐसे अहकाम के जो क्या है मशहूर और बाजें हैं जिसने नमाज पढ़ना है घोसल करना है तयमम करना है सही तरीके से बदन की तहारत है ये वो तमाम अहकाम है जो उसके लिए लाजिम है सीखना लेकिन वो नहीं सीखता तो उसके ऊपर क्या हुक्म नाकस हो जाएगा बल्कि दोनों अहलियत क्या रहेंगी कामिल रहेंगी और यह जहादत उसकी अपने सबब है दूसरे के सबब नहीं है हाँ अल्बत्ता अगर दारुल दारुलकफुर में है तो इसका अजुर काबिल क़बूल है क्योंकि दारुल दार में नहीं है ऐसी जगह पर नहीं है कि जहाँ पर दीन का इस्लाम का इल जो है वो बिल्कुल आसानी से मैसर आ सकता है वो ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर सिर्फ दारुलकफर काफ़ी ज़्यादातर रहते हैं वहाँ पर मुसलमान थोड़े रहते हैं तो वहाँ पर इसका जहल जो है वो थोड़ा सा एक्सेप्टेड होगा लेकिन वहाँ पर भी इसको कोशिश यही करनी चाहिए मुसलमान के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं दूसरी किस्म है आवारज़ इकत अलखता ये अमल अमल कसदन के मुतााद है यानी कि एक होता है कसदन करना एक होता है ख़ता करना एक होता है जानबूझ कर करना और एक होता है भूल चूक से हो जाना इसको खता कहते हैं आर्मी में अच्छा इसमें भी अहलियत जय नहीं होती कोई भी अहलियत यानी कि अहलियत है अदा और वजूब दोनों क्या होती हैं कामिल रहती हैं अदा भी और वजूबी ये दोनों क्या है कामिल है अलबत्त नि की तरह मरत गुनाह नहीं होता एक शख्स है उसने उसको ही नहीं है एक गुनाह के बारे में उसने गलती से कर दी है तो अब इसके ऊपर क्या ये गुनाह आय किया जाएगा नहीं बल्कि ये खता है साहवन साहवन ने कसदर नहीं किया बल्कि साहवन हो गया है, गलती से हो गया है लिहाजा इसके ऊपर गुना नहीं है लेकिन इसको जब पता लगेगा तो उससे तोबा हुआ जरूर करेगा अब इसकी आगे वो कहते हैं तीन इकसाम है अगर तो खता अल्लाह के हक में हो तो वो मुआफ है जैसा कि मुफ्ती ने फतवा दिया लेकिन वो फतवा क्या फतवा गलत साबित हुआ ठीक है वो उसने फतवा जारी किया लेकिन वो दुरुस्त नहीं खता होगी वो उससे क्या करेगा रुझू कर लेगा अगर खता बंदे के हक में है और किसी के साथ ज्यादी हुई है जैसे कि उसने कतल कर दिया है तो उसके किसास नहीं लिया जाएगा उसे जिसमानी सजा नहीं दी जाएगी बल्कि जो अदाई मामला है उसके साथ वो तो उसके साथ किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल उसे दियत का मुतालबा किया जाएगा और ये गुना भी शुमार नहीं होगा एक शख्स है उसने हिरन को मारने लगे बंदूक चलाई और एकदम आगे से एक बंदा भाग के आगे आ गया अब उसने शिकार किया हिरन का लेकिन आगे अचानक बंदा आ जाता है तो क्या अब इसके ऊपर किसास लाजिम हो जाएगा नहीं क्योंकि ये जान बूझ के नहीं किया इसने कस्द नहीं किया एक बंदा खेला था खेलते खेलते किसी को धक्का लगा वो ऊपर से नीचे गिर गया अब इस इसके हक में उस शख्स को कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि उससे क्या ली जाएगी दियत का मुतालबा किया जाएगा और आखिरी है अवकूत के हवाले से अगर ख़ता अकूद में हो जैसे निकाह है है बह है वगैरह तो जमहूर के नजदीक बातिल है क्योंकि इसमें इसका इरादा नहीं था ये जमहूर के यहाँ है लेकिन अनाफ के यहाँ अगर कोई शख्स गलती से या मजाक से भी कर लेता है तो भी ये चीज़ें बिल्कुल सही साबित होती हैं अनाफ के यहाँ अलह अब यह जाती मजाक ये संजीदगी का उल्ट है ये अभी जो मैंने ऊपर बात की है इसकी ये नीचे मिसाल आ रही है इंसान जो अल्फाज बोल रहा है इसके आनी मुराद ना हो और ना ही उससे उसको पसंद यानी कि पसंद करता हो जैसे कि अब इसमें अरियतें दोनों बरकरार रहती हैं कोई भी इसमें बातिल नहीं होती अलबतः उसे मजाक पर मुश्तमिल उसके कौल की तीन सूरत हाल हैं सबसे पहले है इकरार जैसे मैंने फलां का माल चोरी कर लिया उसकी कोई हकीकत नहीं है तो ये क्या है ये झूठ है इसमें हमने इसको कोई सीरियस नहीं लिया एक बंदा मजाक में कहता यार मैंने उसका इतना माल उठाया अब आपको पता है इसने नहीं उठाया मजाक कर रहा है लिहाजा इसकी बात की कोई अहमियत नहीं अकीदे के हवाले से देखा जाए तो अगर कोई शख्स मजाक में कलमा कु बोल देता है या मजाक में कोई बात ऐसी बोल देता है जो कि दिली तौर पर उसका इरादा नहीं था तो इसका एतबार नहीं किया चाहे चूंकि दीन से मजाक है चाहे वो ये कहता रहे कि मेरी मुराद ये नहीं थी तो एतबार नहीं इसका किया जाएगा बल्कि इसको अक्सर उलमा कहते हैं इसको फेंटी भी लगाई जाएगी थोड़ी सी ना ताकि इसको पता लगे कि दीन जो है वो मजाक का नाम नहीं है और दीनी मामला में मजाक भी नहीं करना चाहिए इंशा यानी अकूत वगैरह मजाक में तीन चीज़ों का भी संजीदगी में तस्वर किया जाएगा निकाह है डायवोर्स है और बैड है इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें बातिल होंगी क्योंकि हदीस में आता है महज इन तीनों का ही जिक्र आया है मजाक में भी तीनों चीजें हो जाती हैं अब इसको थोड़ा सा समझ लें आनाब कहते हैं किसी शख्स ने मज़ाक में किसी आप ये मसला बड़ा पचीदा और ये बड़ा लंबा है ये असल में इसकी बहस हम अगर फिक पड़ेंगे अगले सेमेस्टर में तो उसमें मैं इसका जिक्र करूंगा किसी शख्स ने मजाक में कहा कि आओ बेगम आज मैं आप केक सरमनी करते हैं और उसमें मैं आपको आज डाइवोर्स देता हूँ तो अगर वो मजाक में भी वहां पे बोल देता तो ये सही है इसमें कोई मजाक नहीं एक बंदे ने मजाक में कहा कि ये पेन है मेरे से नाब मुझे तो दस रुपये दे दे ये पेन ले लें उसने उसको दस रुपये दे दिया अब अब ये पेन उसका हो गया सर तो भले उसने मजाक में कहा था मजाक में अगर कोई शख्स औरत और मर्द दोनों को बैठ के जाब वो कबूल करते हैं तो वो निकाह आना आप यहाँ हो जाता है अगरचे वो फासिद है उसकी शरायत अलग ही लेकिन हो जाता है असफ़ा यानी से मुराद बेवकूफ़ी है ऐसा माली तसरफ जो अक़ल होने के बावजूद अकल के खिलाफ हो इसकी अहलियत मुकम्मल होती है मगर माली तसरफ से रोक दिया जाता है जब तक के रुश्न यानी समझदारी नहीं देख ली जाती तब तक, तक उसके उसके माल की या उसके खरीदो फरोख की किसी भी किस्म की कोई वैल्यू नहीं होगी अशुक्र शुक्र यानी नशे की हालत है आपको पुराने पाक की वायद याद होगी या यो लाम तक्रबलात है वह तुम सकारा सुकारा कहते हैं सुकर कहते हैं नशे को इसकी वजह से अहलियत अदा खत्म हो जाती है यानी कि या यु लदीन तकरबा ऐ मान वालो नग के करीब मत आओ जब तुम किस में हो नशे की हालत में हो तो अहलियत अदा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी जब तक वो शुक्र की हालत में होगा जैसे शुक्र की हालत खत्म होगी वह अहलियत अदा उससे वापस लौट आएगी वजूब रहेगी अलबत् दौरान नशे या हालत नशा में उसके तसात के हुक्म के बारे में कुछ तफसीलात हैं नंबर एक अगर तो वो हकूक अल्लाह की बात के हैं तो वो दौरान नशा मुकलफ नहीं है अलबत् अफाका के बाद उससे उसका मुतालबा ज़रूर किया जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया वो नमाज है एक बंदा उसने भांग भी लिया वो दो दिन के लिए नशे में रहा है उसको उसको समझ नहीं आई जाग नहीं आई उसको या उमदहोशी में आए तो अब जारी बात है जब तक वो उसकी अकल मऊफ हो चुकी है उसकी अकल खत्म हो गई है तो अदा का तो शऊर से है अकल से है तो अकल तो रही नहीं उसके अंदर तो लिहाजा उससे मुतालबा भी नहीं किया जाएगा हाँ जब उसके पास अकल लौट आएगी उसका शऊर वापस आ जाएगा तो उससे अब उसका मुतालबा किया जाएगा इसमें काफी ज्यादा मामलात हैं यह हम फिक्र में पड़ेगी अब उसके तसरफा का क्या सूरत हाल है उसके तस्व तसरफात की कोई हैसियत नहीं होगी जैसे कि डाइवोर्स निका वगैरह है फेली तस्वर तसरफात का क्या है उसमें कोई हद नहीं जारी की जाएगी यानी कि सजा नहीं, नहीं लगाई जाएगी जिसमानी सजा बल्कि सिर्फ माली सजा लगाई जाएगी ये मैंने भी आपको बता दिया है एक बंदा उसने नशे की हालत में किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया किसी का बंदे का सर फोड़ दिया अब किसान के बदले में उसका सर तो नहीं फोड़ा जाएगा लेकिन उससे माली तो मुआवनत ली जाएगी ना माली उससे मुतालबा किया जाएगा कर क्या चीज है जी यानी मजबूरी में किसी शख्स को ऐसे काम पर मजबूर करना जिसको वो करने पर राजी ना हो यानी कि वो काम करना नहीं चाहता लेकिन उसके जबरदस्ती जबरन उससे करवाया जा रहा है इसकी कितनी सूरतें हैं अब आगे देखते हैं और अगर इसे छोड़ दिया जाए तो वो खुद वो काम ना करे यानी कि इकरा से क्या मुराद है कराहत नापसंदीदा वो खुद काम नहीं करना चाहता लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा है और अगर उसके ऊपर वो हालत ना हो वो सख्ती वाली हालत ना हो तो वो खुद ना करे उसको बजाते खुद इसमें कोई अहलियत खत्म नहीं होती अलबत्काम में क्या हो जाते हैं उसको गुनाह नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल जबरदस्ती काम करवाए गए कामों के हुक्म में एक तो यह है कि जमूर के नजदीक इसकी दो किस्में इकरा बिर यानी दुरुस्त इकरा जैसा कि काजी का मकरूज को कर्ज की अदायगी पर मजबूर करना यह तो जायज है ना एक बंदा उसने कर्ज लिया ठीक है थीके? अब वो वापस नहीं कर रहा अब काजी उसके ऊपर फाइनेंशियली या डिप्रेशनली या उसके ऊपर कोई सख्ती वाला मामला कर सकता है उसको मजबूर कर सकता है कि भाई उसका कर्ज वापस करो उसको टेंशन में ला सकता है वो ये जायज़ है और नहा की करा, यानी किसी गलत काम की तरफ करना जैसे किसी को कलमा कफर में मजबूर करना उसकी गनपट्टी में बंदूक रख लेना कि अपनी बीवी को डाइवोर्स दे ये कत्ल कर ये कुफर कर ये चोरी कर इस तरह के काम करना अगर उसको बंदूक हटा ली जाए उसके ऊपर से वो माहौल ख़त्म कर दिया जाए तो वो खुद उसको ना करे इसको कहते ना हा करा यानी कि पसंदीदा नापसंदीदा अमल है लेकिन वो खुद उसको नहीं करना चाहता बल्कि उसको करवाया जा रहा है इसकी एक मिसाल भी हदीस बात का हमें मिलती है ना इसमें वो साबी का नाम मेरे जहन में नहीं है तो उन दोनों को पकड़ लिया और उन्होंने सजा दी मुसलमान ने एक को कड़ाह में तल दिया और दूसरे को कहा कि तू मोहम्मद को गलियाँ देखा हलाक हो गया इसने तो उसने अजीमत पर अमल किया लिहाजा अगर तुने दोबारा ऐसा को मजबूर करता तो कह देना कोई अर्ज नहीं है इसमें क्योंकि तू तो मजबूर था लिहाजा अगर कोई शख्स मजबूर है उसका मजबूर किया जा रहा है सख्ती से तो वो उसका कर गुजरे तो उसका कोई अमल नहीं होगा लिहाजा उसका कोई भी कौल तसरफ निका डाइवोर्स वगैरह बंदूक रख के निका करवाया जाए तो वो भी नहीं होगा बंदूक रख के डाइवोर्स करवाया जाए तो वो भी नहीं होगा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी मालिक तसरबा में से नुकसान भरने का जिम्मेदार मजबूर करने वाला शख्स का होगा तो वो मजबूर किया जाएगा जैसा कि शख्स है उसने किसी से लाख रुपया कर्जा लिया हुआ है ठीक है वन हंड्रेड के उसने ले लिए हैं और दूसरे बंदे को वो नहीं दे रहा है तो यहाँ पर काजी क्या करेगा काजी अगर इसको मजबूर करता है इसके ऊपर सख्ती करता है तो ये बिल्कुल जायज़ है ये सामने मोहतरम हमारा मुख्तसर सातलबा जो है वो लेक्चर था जिसमें हमने मौकूफ अलह की एग्जाम पढ़ी हैं और महकूम अलह की सॉरी महकूम अलह की हमने एग्ज़ाम पढ़ी है इसके बाद इन शी तो हम महकूम फ़ी की एग्जाम पढ़ेंगे आप तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और इस लेक्चर को आप अच्छे से नोट भी किया करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो अपनी दुआ में याद रखिएगा जजाक अल्लाह अल्ला